बेसिकली हम बात कर रहे हैं पिक्चर लुकअप के बारे में, मतलब कि अगर मैंने दो अलग अलग रिपोर्ट बनाई हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया नेम और यहाँ पे मैंने सेल्स दे दी, ठीक है, एक छोटा सा डेटा आपके सामने बना देता हूं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके हम यहां पे इंसर्ट करते हैं एक छोटा सा चार्ट। अब मान लीजिए कि मैंने एक रिपोर्ट ये बना रखी है, ठीक है, और हमने एक और रिपोर्ट सिटी के हिसाब से बना रखी है, यहां पे हम सिटी देते हैं। मैं ऐसे कुछ नंबर दे देता हूँ, हालांकि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला भी लगा सकता था, लेकिन थोड़ा टाइप करने में आनंद आ रहा है। चलिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, और यहाँ पे हमने लिया और इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट कर दिया और इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन दोनों रिपोर्ट को शो करना है, ठीक है सर, इन दोनों रिपोर्ट को क्या करना है, शो करना है, लेकिन यहां नहीं, दूसरे शीट पे। तो ये मान लीजिए ये हमारा डेटा का शीट है और एक जगह पे हम शो करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लिखना, यहां पे करते हैं सिलेक्ट। तो मान लीजिए कि मुझे रिपोर्ट का चॉइस देना है कि मुझे यहां पे क्या चाहिए, तो इंसर्ट इसमें डेटा के अंदर हम जाते हैं, हाँ जाते हैं डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के लिस्ट पे आते हैं और इस पे हम करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट में हमने यहाँ पे दे दिया कि मुझे नेम के हिसाब से या सिटी के हिसाब से डेटा चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर नेम सेलेक्ट करो तो नेम और सिटी सेलेक्ट करो तो सिटी का डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको सेलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद यहां आते हैं और यहां पे करते हैं हम राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए पिक्चर लुकअप, पेस्ट एज ए पिक्चर लुकअप, ठीक है सर, पेस्ट इज ए पिक्चर लिंक, सॉरी मैंने यहां पे किया पेस्ट इज ए पिक्चर लिंक हो गया। अब ये हमारा किसके वजह से, नेम के हिसाब से, और इसी तरह से मुझे अगर इसका चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका जो पाथ है जैसे ए लेके 14 और ए आपका एच से लेके 24, तो मुझे यहां पे ए 14 और एच 24 अगर हम डाल देंगे तो फिर मेरा सिटी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। लेकिन ये रेंज चेंज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको छोटा रेंज करने के लिए हम इसका नाम दे देते हैं। तो नाम हम वही देंगे जो डेटा वैलिडेशन में लगाया था, तो कहां से, फॉर्मूला में डिफाइन नेम, यहां पे नेम कर दिए और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यहां पे सिलेक्ट करते हैं डिफाइन, इसका नाम सिटी कर, मतलब अब यहां हम क्या करेंगे कि अगर यहां हम सिटी करते हैं तो सिटी कर आएगा और यहां पे हम नेम करते हैं तो यहां पे चेंज करना थोड़ा सा आसान हो गया, क्या सर आसान हो गया ना। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं यहां पे चेंज नहीं करना चाहता, अगर मैं यहां पे पूजा लिखा तो सही, पूजा यहाँ पे अगर मैंने सिटी लिखा तो सिटी का रेफरेंस आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ चेंज नहीं, हम यहाँ चेंज करना चाहते, हम चाहते कि यहाँ जैसे ही चेंज करे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो हम चेंज कहाँ करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम, मान लीजिए चेंज छोड़िए, मैं यहाँ पे सम का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो सम के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्यों, अगर इसी में अगर इक्वल सम और मैंने इसके अंदर नेम को कॉल किया तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया,
490 यहां पे क्यों आया? इसका रीजन ये है। अब इसका रीजन के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड को समझना होगा कि इनडायरेक्ट का मेथड क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने N1 के ऊपर 500 लिख दिया। अब मैं यहां पे इक्वल N1 लिखूं तो 500 कॉल कर लेगा, लेकिन यही चीज मैंने यहां M4 पे लिख दिया N1। अब मैं चाहता हूं कि इक्वल करके मैं इसको सेलेक्ट करूं, तो इस पे दी गई जो एड्रेस N1 है उस A1 को रिकॉल करते हुए 500 को शो कर दे। ठीक है सर, तो कैसे करें? तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट, और हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए 500। तो उसी तरीके से अगर हम सम के अंदर इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम इस नेम को लेंगे तो नेम का कॉल करके यहां पे आपको इसका टोटल दे दे। ठीक है, अब यहां चेंज कीजिए, अगर मैंने नेम के जगह पे सिटी किया तो देखेंगे सिटी का टोटल है। तो क्या हम यहां इसको सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट तो लेगा नहीं, बिफोर आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसको इनडायरेक्ट के अंदर में डाल दें क्या? लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कभी भी फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको डायरेक्ट रेफरेंस चाहिए या डिफाइंड नेम चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्ट रेफरेंस या डिफाइंड नेम। अभी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन एक सॉल्यूशन इसका है कि जो डिफाइंड नेम है वो कहता है कि मैं फॉर्मूला एक्सेप्ट करूंगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि मुझे इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इस सिटी को डाल के इसके पिक्चर लिंक के अंदर डालना है। पिक्चर लिंक कहता है कि मैं डिफाइंड नेम नहीं लूंगा, डिफाइंड नेम लूंगा या फिर डायरेक्ट एड्रेस लूंगा, मैं किसी तरह का फॉर्मूला नहीं लूंगा। पर डिफाइंड नेम कहता है कि मुझे फॉर्मूला दे दो, मैं फॉर्मूला ले लूंगा। तो मैं यहां क्या करूंगा, एक ऐसे ही टेम्प, यहां पे टेम्प नाम का एक, या किसी कुछ ऐसे नाम का एक टेम्प्रोली हम क्या बनाएंगे, नेम बनाएंगे, और इसके अंदर में वो जो इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला है वो डालेंगे जो हम पिक्चर लिंक के अंदर डालना चाहते हैं, इनडायरेक्ट, और हम इसको सिलेक्ट कर लेते एंड ओके। अब इसके अंदर वो टेम्प को डाल, अब यहां से मैं कुछ भी करूंगा, जैसे नेम किया तो नेम, सिटी किया तो सिटी। आया समझ में सर? क्लियर हुआ आपकी? नहीं सर, कभी भी बाउंस गया? आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही, क्या हुआ? हेलो, हाँ, ये थोड़ा ऑफिस ये जरा इनडायरेक्ट में जाके डिफाइन मैनेजर में जाके क्या किया आपने? देखो साहब, सिंपल से प्रॉब्लम समझिए कि ये जो ड्रॉप डाउन मैंने लगा रखा है क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है सर, ABCD। अब इसी सेम नाम का मैंने दो डिफाइन नेम कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम क्या होता है कि इस एक एरिए को आप A1 से लेके H12 ना करके इसको नेम जानेंगे, तो इसका डिफाइन नेम मैंने यहां पे जाके इसका एक नेम बना दिया। ठीक है, एक इसका एक शॉर्ट नेम या समझो एक निक नेम दे दिया है। क्या दे दिया है? एक निक नेम दे दिया है इसका, नेम और नीचे वाले का सिटी। तो मतलब कहीं भी मुझे इस एरिया की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको नेम या इस एरिया को सिटी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि मैं यहां इक्वल अगर सम के अंदर में मैंने नेम दे दिया तो यहां आपका सम को नेम मिल जाएगा, सारे नंबर्स को सम करके यहां रिजल्ट 490 दे देगा, दैट्स गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यही नेम किसी और सेल पे लिखा हुआ है तो सम उसको कंसीडर नहीं करेगा, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी तरीका इसको कंसीडर नहीं करेगा। उस केस में क्या करेंगे सर, हम उसी एड्रेस को इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि जो आपने रेफरेंस जैसे N1 C1 B1 A1 या डिफाइंड नेम को अगर आपने इसमें दिया हुआ है, टेक्स्ट में दिया है, तो उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करके शो कर देंगे। समझ में आया? अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहां पे जो पिक्चर लिंक मैंने किया तो यहां तो या तो मुझे सिटी लिखना है या मुझे नेम लिखना है, राइट?
आप सिटी चाहे नेम तो यहां पे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि इससे लिंक हो जाए, इस बी फोर से लिंक हो जाए। अब यहां पे अगर मैं जैसे सम में किया था कि डायरेक्ट बी फोर कर दूंगा तो बी फोर को ही लिंक करके दे देगा, वो बी फोर पे टाइप की गई नेम को कंसीडर करके डेटा सीट से नेम का डेटा या सिटी का डेटा नहीं शो करेगा। नया आपको प्रॉब्लम तो बोले से जैसे मैंने सम में यहाँ इनडायरेक्ट लगाया, ऐसे मैं यहां भी इनडायरेक्ट लगा दूं क्या सर? इनडायरेक्ट लगा दूं, इनडायरेक्ट में इसको सिलेक्ट कर लूं, तो अभी यहां भी एक और प्रॉब्लम है कि जो पिक्चर लिंक है वो कोई फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहता है डिफाइन नेम दो या फिर डायरेक्ट रेफरेंस दो, ए वन बी वन सी वन। लेकिन जो नेम मैनेजर है वो कहता है कि मैं फॉर्मूला भी ले देता हूं। तो मैंने एक टेम्प नाम का बनाया और जो फॉर्मूला हम पिक्चर लिंक में देना चाहते थे वो फॉर्मूला मैंने इस डिफाइन लिंक के अंदर दे दिया। क्या दे दिया? इनडायरेक्ट सीट टू का बी फोर। सीट टू का बी फोर क्या है? ए है। समझ में आया? तो अगर मैं यहां पे इक्वल सम के अंदर का टेम्प डालूं तो उसका टोटल आ जाएगा। ये टोटल किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग। तो सेम इसी तरह से एक टाइम पे यहां पे हम डालते हैं। अब समझ में आया सर? आ गया समझ में? तो अभी आप क्या करें, अभी देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप क्या करें कि इसको तीन चार पांच जगह पे इस्तेमाल करके देखें, ठीक है ना? कम से कम 5 बार इस्तेमाल करके देखें, तभी समझ में आएगा।